हेलो गाइस, आपका बथियाल ब्लॉग में स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा ही हूँ। अब जैसे कि मैं एक हफ्ते में 2-3 ब्लॉग डाल दे रहा हूँ, तो जिसने मेरे ब्लॉग नहीं देखे वो देख लो जाके, और ये वाला ब्लॉग भी देखो, बने रहो वीडियो के साथ। आगे दिखाते हैं, कल कटवाऊँगा बाल। बाल अजीब से हो रहे, सेट ऐट नहीं हो रहे, अब ज़्यादा ही बड़े हो गए, नाक तक आ रहे हैं, तो बाल कटवाऊँगा, छोटे करवाऊँगा इन्हें। ये देखो पूरे सेट नहीं हो रहे, कभी कहीं खड़े हो जा रहे, कभी कहीं खड़े हो जा रहे हैं, ढंग से नहीं हो रहे, पूरे साइड साइड में छोटे, ऊपर के थोड़े और छोटे करवा के मस्त बनूंगा कल, एक नंबर का। तुम्हारे भाई का बर्थडे भी आ रहा है 23 जुलाई को, पार्टी है फुल, आ जाना जिसे आना है, ठीक है। दलाल सपोर्ट कर रहा है कैरी मिनाटी को, बहुत यूट्यूबर कैरी मिनाटी को सपोर्ट कर रहे हैं अब, वो भी हरियाणा भी गई सारे, क्योंकि अजेश खान जो भी है वो मुल्ला, उसने कैरी मिनाटी को अभी स्टोरी बुलवाई थी रास्ते में, तो सीन हुआ है, तो उसके कारण पूरी हरियाणवी तो उसके सपोर्ट में है ही। तो अब देखो क्या बोला रजत दलाल ने उसके सपोर्ट में, वीडियो देखो आग लगा रहा हूँ। तो भाई कैसे हैं सब, सबको राम राम। आजकल एक टॉपिक थोड़ा उठा हुआ है, सीधे बोल के नाम लेके बात करूंगा, घुमाने फिराने की मेरी शुरू से आदत है नहीं। आजाज भाई साहब ने कैरी मिनाटी से सॉरी बुलवाई है आमने सामने। मेरे साथ भी एक सीन हुआ था, पिछले 10 साल से किसी की हिम्मत नहीं हुई है कैरी को कुछ उल्टा बोलने की, या ये जो चीजें हुई हैं वो करवाने की। रिसेंटली उसने मेरे ऊपर एक रोस्ट बनाया बिना मेरी परमिशन के, जो मेरे को पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पे उसने वीडियो डाली थी, जिसका रिप्लाई मैंने सोशल मीडिया पे ही दिया और रिक्वेस्ट ही करी कि भाई इसको हटा दो, जिस बात का कैरी ने मान रखा, सम्मान रखा और वीडियो हटा दी। कैरी मेरे छोटे भाई की तरह है, मेरे घर से 10 मिनट दूर रहता है। अगर आमने सामने चीजें करनी होती तो मैं भी कर सकता था, पर ये चीजें शोभा नहीं देती। जहां पे चीज शुरू हुई है वहीं पे खत्म होनी चाहिए, तो वो वहां पे खत्म हो गई। आपने कैरी के बारे में, अब देखो पास्ट में जो चीज डाल दी वो तो ना आप बदल सकते ना हम बदल सकते। आज के बाद कभी उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा उम्मीद करूंगा आप ना ही बोलो। और दूसरी चीज, जो आप ये चीज कर रहे हो कि मुंबई आना पड़ेगा करियर के लिए, तो भाई देखो 4 बार आए या हम 40 बार आए, आप हो या कोई हो हमारा एक बाल नहीं उखाड़ सकता। आप और मैं या कोई भी इस देश के कानून से ऊपर नहीं है, सबके अपने अपने राइट है, जिसको ना तो आप वॉयलेट कर सकते हो ना हम वॉयलेट कर सकते हैं। ये जो आप एक इंसान और दो इंसान की चीजों को स्टेट्स में लोकेशन में डिवाइड कर रहे हो ना, इस चीज को प्लीज यहीं पे खत्म कर दो, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत खराब है। अगर बहुत गर्मी है, लड़ाई झगड़ा करना है, खून उबाल मार रहा है, तो आप किसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में चले जाओ। देश को, अपनी मुंबई को, हमारी मुंबई को हर जगह ग्लोबली रिप्रेजेंट करो ना, कि देश के लिए कुछ मेडल मार पाओ। तो भाई अपनी ये जो चीजें आप कर रहे हो, आप भी भुगत चुके हो, हम भी भुगत चुके हैं, गलतियां सबने करी है पास्ट में, उनको पीछे ही छोड़ दो। तो उम्मीद करूंगा आप ये चीजें अब ना करो, दोबारे मेरे को वीडियो ना बनानी पड़े। और एकजुटता का मैसेज दो यार, जब लोग देख रहे हैं ना आपको, ये लोगों को तोड़ने का काम मत करो, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं रखा। बाकी अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है, कोई छोटा होने वाली बात नहीं, आप अपने उम्र में बड़े हो, दुनियादारी भी हमसे ज्यादा देखी होगी, मान है सम्मान है, एक मैसेज डाल देना, सोशल मीडिया की चीजें साइड में करेंगे, आमने सामने बात करेंगे। तो अपना ख्याल रखो, खुश रहो, राम राम। कैरी मिनाटी रोस्ट तो सही करता है अजेश खान को, और आगे भी करेगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे डरेंगे क्या इनसे, सी से, जो से। अब एल्विस और कटारे के बारे में फालतू बोल रहा है अजेश खान, अभी तो और सुनेगा वो, सबसे रोस्ट होगा वो, फिटने का काम कर रहे हैं तो सपोर्ट करो सब, एलिस यादव कटारे और कैरी मिनाटी के सपोर्ट में रहो। ओके गाइस।